इसमें लगभग लगभग 9 परियोजनाएं 21,000 करोड़ की लद्दाख की थी जो अब अलग यूटी में चली गई, परंतु जम्मू कश्मीर की बात करें तो 32 परियोजनाएं 58,477 करोड़ की लगभग पूरी हो गई है और 58,000 करोड़ में से 45,800 करोड़ रुपए का व्यय समाप्त। ये मैं बताता हूं, ये कह रहे कि क्या हुआ है इसके लिए, मैं कुछ योजनाओं का नाम भी जरूर पढ़ना चाहूंगा। 5,000 मेगावाट के लक्ष्य रखकर 4,287 करोड़ की 642 मेगावाट की किरू हाइड्रो परियोजना, क्वार हाइड्रो परियोजना 540 मेगावाट 5,000 करोड़, रतले हाइड्रो परियोजना 5,200 करोड़ 850 मेगावाट, 8,112 करोड़ की 1,000 मेगावाट की सोपाक दल दूल हाइड्रो परियोजना, सावलकोट हाइड्रो परियोजना 1,856 मेगावाट की 2,300 करोड़ की और शाहपुर कंडी बांध सिंचाई और बिजली परियोजना 2,793 करोड़ की। सिर्फ जल विद्युत के अंदर इतना सारा पैसा ये 10 साल के अंदर इन्वेस्ट हुआ है और पहली बार सौर ऊर्जा 1600 मेगावाट की प्राप्त करने के लिए भी प्रोजेक्ट वहां पर डाला गया है। 38 ग्रिड स्टेशनों का निर्माण हुआ, 467 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन की लाइनें बिछाई गई, 266 उप स्टेशनों को बनाया गया और 11,000 सर्किट किलोमीटर की एचटी और लोड एलटी लाइनों को बिछाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सिंचाई का जहां तक सवाल है, 62 करोड़ की रावी नहर योजना पूरी कर ली गई, 45 करोड़ का टसर चलन 3 त्राल सिंचाई योजना का पूरा किया गया, झेलम और सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन के लिए 399 करोड़ के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया, 1632 करोड़ का दूसरे चरण का काम चल रहा है और चरण एक का काम पूरा होकर 31,800 क्यूसेक से बढ़कर 41,000 क्यूसेक की परिवहन की क्षमता आज परिवहन कर रही है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना भी पूरी हो गई है। जम्मू प्रांत की प्रमुख नहरों से 3 पीढ़ियों से गाद नहीं निकाली गई थी, 59 दिन में ही राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गाद निकालने का काम 70 साल के बाद पूरा हुआ है। रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है, 3,127 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 8.45 करोड़ की लंबी विन ट्यूब काजीकुंड बनिहाल सुरंग का निर्माण हो गया है और लगभग 8,000 किलोमीटर नए रोड ग्रामीण सड़क योजना के बनाए। जम्मू कश्मीर के 10 शिल्प को जीआई टैग मिला, डोडा का गुच्छी मशरूम भी जीआई टैग मिला, आरएस पूरा के बासमती चावल को जैविक प्रमाण पत्र जारी किया गया और समग्र कृषि विकास के लिए 5,013 करोड़ की योजना की गई। पूरे देश में सिर्फ गरीब व्यक्तियों को 5,00,000 तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा सरकार उठाती है साहब, पूरे देश में सिर्फ गरीबों का उठाती है, जम्मू कश्मीर में सभी व्यक्तियों का 5,00,000 तक का पूरा खर्चा आज सरकार उठाती है। हमने बहुत रुझुता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ जम्मू कश्मीर को संभालने का कहा है। जो लोग कह रहे थे क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद अंतिम पर्यटक 14,00,000 थे, अब 2022-23 में 2 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का, और जून 23 तक 1 करोड़ समाप्त हो गया है। मुझे विश्वास है कि 2 करोड़ का भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार ही समाप्त हो, इस दिसंबर में रिकॉर्ड थी। जम्मू कश्मीर जो एक ऐसा गंतव्य स्थान बना है जिसका वातावरण प्राकृतिक हो, मानांक वैश्विक हो, दृष्टिकोण आधुनिक हो, आतिथ्य पारंपरिक हो और अनुभव में मनोरंजन और रोमांच दोनों हो, इस प्रकार का एक पर्यटक स्थल आज बना है। होम स्टे की नीति बनी है, फिल्म की नीति बनी है, हाउस बोट के लिए भी एक पॉलिसी बनाने का काम कर रहा है। जम्मू रोपवे परियोजना 75 करोड़ खर्च कर पूरा कर ली गई है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पूरी कर ली गई है। और मैंने फिर से, आप फारूक साहब आए इसलिए फिर से कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में गरीबों को ही 5,00,000 रुपया
का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। जम्मू कश्मीर में सभी लोगों का 5 लाख, धन्यवाद धन्यवाद साहब धन्यवाद। अरे राजा एक टेली कम्युनिकेशन का नहीं है यार, कश्मीर का है, काहे को खड़े हो जाते हो। दे आर रिफ्यूजिंग टू टेक इट बिकॉज दे से हमें पैसा वापस, इसकी तरफ देख के मेहरबानी कर। मान्यवर बैठिए दादा, आपके जाने के बाद एक माननीय सदस्य खड़े हुए, उन्होंने कहा इसके लिए ब्लंडर ने हिमालयन ब्लंडर भी शब्द प्रयोग किया गया। मान्यवर अंत में मैं जो बिल लेकर आया हूं, अंत में मैं जो बिल लेकर आया हूं वो सालों से जो वंचित थे, अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि, अपनी जायदाद छोड़कर अपने ही देश में निराश्रित हो गए, ऐसे लोगों को अधिकार देने का लेने का बिल है। जिनका देश ही छूट गया ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है, और जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का ये बिल है। मैं अतः सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी का आप जरूर विरोध करिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का भी करिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी करिए, मगर बिल का उद्देश्य बहुत पवित्र है। कम से कम पिछड़ा वर्ग के लोग और हमारे विस्थापित हैं उनकी ओर देखते हुए आप समर्थन करिए और उसको सर्वानुमत से पारित करिए।